हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ की रसोई। आज के वीडियो में हम लोग आपके लिए लेके आए हैं चिली हनी पोटैटो की रेसिपी। ये इतनी ज़्यादा क्रिस्पी हैं, आप आवाज़ सुन सकते हैं इसकी। देखिए आलू कितने क्रिस्पी हुए हैं। इसका जो सॉस तैयार करेंगे हम लोग, इतना स्पाइसी और टेस्टी होगा कि पूरा रेस्टोरेंट से भी बढ़िया टेस्ट आएगा। कलर तो आप देख ही सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चिली हनी पोटैटो के लिए आलू हमें लंबाई के शेप में काटने हैं। जैसे आलू हम लोग फ्रेंच फ्राइज के लिए काटते हैं उसी शेप में इसे काटना है। आलू को मैंने पानी में डाल के रखा है, नहीं तो आलू काले पड़ जाएंगे। अब इनको बॉईल कर लेते हैं ताकि इसका मांड निकल जाए। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए बॉईल कर लूंगी। ये मैंने 4 आलू लिए, उसमें 4 कप पानी डाल रही हूँ। उसमें डालूंगी 1 चम्मच नमक। बॉईल करते समय नमक डालने से नमक आलू के अंदर तक चला जाता है और इसका टेस्ट बढ़ जाता है, आलू फीका नहीं लगता है। इसको 5 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। ये आलू को बॉईल होने के बाद इसका पानी निकाल लिया है और इसको एक बड़े बाउल में डाल दिया है। अब इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच मैदा और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अगर आप कॉर्नफ्लोर नहीं है तो चावल को पीस के उसका आटा भी यूज कर सकते हैं कॉर्नफ्लोर की जगह, उससे भी फ्रेंच फ्राइज अच्छे बनते हैं। चिल्ली हनी पोटैटो में फ्रेंच फ्राइज जैसे ही आलू को फ्राई करते हैं, सेम प्रोसेस रहता है। अब उसको हाथ से अच्छे से कोटिंग कर लेंगे सब आलू में। इससे ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं फ्रेंच। आलू में ये कोटिंग कर लिए, अब ये गीला कोटिंग तैयार करेंगे इसके लिए। उसी बाउल में मैं लूंगी 4 चम्मच मैदा और 4 चम्मच ही कॉर्नफ्लोर। इसमें भी आप कॉर्नफ्लोर की जगह चावल का आटा यूज कर सकते हैं। इसमें मैं डालूंगी 1/2 चम्मच नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका थिक बैटर तैयार करेंगे। ज्यादा पतला बैटर हमें नहीं तैयार करना है, नहीं तो आलू क्रिस्पी नहीं होंगे। हमें इस कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार करना है, इससे ज्यादा पतला बैटर नहीं होना चाहिए। अब इसमें डालूंगी आलू जिसको हमने एक बार कोट करके रखा था। अच्छे से मिला लेंगे, अच्छे से कोटिंग हो जाए सब आलू पे। सब आलू पे अच्छे से कोटिंग हो चुकी है, अब इसको फ्राई कर लेते हैं। ये तेल गरम करके रखा है, इसमें एक एक करके आलू डालते जाएंगे। ये देखिए आलू फ्राई हो चुके हैं और इनसे क्रंची क्रंची आवाज आ रही है। अब इसको निकाल लेंगे। इसे कम आंच में फ्राई किया हमने। ऐसे ही बाकी आलू को भी फ्राई कर लेंगे। कम आंच पे फ्राई करना है हमें, नहीं तो क्रिस्पी नहीं होंगे। ये देखिए आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और एकदम क्रंची क्रंची आवाज आ रही है। ऐसा ये मीडियम फ्लेम में करने से आलू बाहर से क्रंची और अंदर से एकदम फ्लफी हुए हैं। और अब इसको डबल फ्राई कर लेंगे। इसके लिए हमें तेल अच्छे से गर्म करना है। ये देखिए तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तेल से धुआं निकल रहा है। ऐसे में आलू को डाल देंगे। इस स्टेप को फ्लैश फ्राई बोलते हैं। इसको तेज एकदम तेज आंच में चलाते हुए फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक, 1 मिनट के लिए। आंच को तेज रखना है हमें। ये देखिए आलू गोल्डन कलर के हो चुके हैं और क्रिस्पी भी बहुत हो चुके हैं, क्योंकि देखिए कढ़ाई के अंदर ही आवाज आ रही है। अब इसको प्लेट में निकाल लेंगे।
आलू कितने क्रिस्पी हुए हैं ये इसकी आवाज से पता चल रहा है। ये मैंने कढ़ाई में तिल लिए है, इसको रोस्ट कर रही हूँ। 2 चम्मच तिल मैंने लिया है, इसको तिल को चटकने तक हमें रोस्ट करना है कम आंच पे। देखिए तिल रोस्ट हो चुके हैं, मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूंगी। ये मैंने कढ़ाई ली है, उसमें 2 चम्मच तेल डाल रही हूँ। इसमें डाल रही हूँ 4 कली लहसुन जिसको मैंने कूट लिए है। इसमें मैं डाल रही हूँ चिल्ली, ग्रीन चिल्ली। इसका नाम ही चिल्ली हनी पोटेटो, तो चिल्ली तो डलता ही है इसमें। अगर आपके बच्चे चिल्ली कम खाते हैं तो आप कम डाल सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसका नाम चिल्ली हनी पोटेटो है तो चिल्ली तो डालना ही बनता है। 1 चम्मच कच्चा तिल, 1 मिनट पकाने के बाद इसमें हम लोग 1 प्याज डाल देंगे। आप चाहो तो प्याज को स्किप भी कर सकते हो। मैंने एक छोटा सा प्याज लिया है, ये 1 शिमला मिर्च ली है। चिल्ली पोटैटो तो शिमला मिर्च तो बनती है, और एक ही मैंने रेड शिमला मिर्च ली है, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। आप चाहो तो रेड शिमला मिर्च स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको फटाफट अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ज्यादा देर पकाना नहीं है इसे। सब्जियां हमें कच्ची रखनी है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच नमक और थोड़ी सी चीनी, क्योंकि तीखा ज्यादा नहीं हो इसलिए थोड़ी सी चीनी डाल दे रही हूँ। इसमें नमक मिक्स कर लेंगे। इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच चिल्ली सॉस, रेड चिल्ली सॉस, और 1 चम्मच सोया सॉस, और थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए टोमेटो सॉस। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक मिनट चलाने के बाद ये पक चुका है। अब इसके लिए हम लोग एक स्लरी तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया एक छोटे से बाउल में, और 3 चम्मच पानी डाल रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और एक इसको गाढ़ा बनाने के लिए ये किया जाता है। अब 1-1 चम्मच करके डालते जाएंगे इसमें। इससे इसकी थिकनेस आती है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 3 चम्मच हनी। गैस को मैंने बंद कर दिया है, और 3 चम्मच हनी डालूंगी। चिल्ली हनी पोटैटो तो हनी तो बनता ही है। अगर आपको ज्यादा स्पाइसी चाहिए तो इसमें थोड़ा सा काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, और आपके पास स्प्रिंग ऑनियन है तो वो भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं इसमें। और अब इसको सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना सुंदर कलर आया, देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं हमारे चिल्ली हनी पोटैटो, पूरे रेस्टोरेंट जैसे लग रहे हैं देखने में। अब इसे सर्व कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया चिल्ली हनी पोटैटो बन के रेडी हुए हैं, पूरे होटल जैसे देखने में भी और खाने में भी। बहुत ही क्रिस्पी स्पाइसी चिल्ली हनी पोटैटो बन के रेडी हो चुके हैं, तो अब इसे खाने का मजा लिया जाए। इसको स्प्रिंग ऑनियन और रोस्टेड तिल से गार्निश कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमें सपोर्ट कीजिएगा, और हमें बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।